हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 6 ऐसे पॉइंट्स जो कि मूट कोर्ट कंपटीशन में आपको विजेता बना सकते हैं, आपको मूट कोर्ट कंपटीशन में विनर बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो मेरे दोस्तों, मैं अगर 6 पॉइंट्स में से सबसे पहले पॉइंट की बात करूं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके मूट कोर्ट कंपटीशन में जीतने के लिए, वो है आपका मूट कोर्ट प्रॉब्लम को, मूट कोर्ट प्रेपोजिशन को बार बार पढ़ना, उसको रीड आउट करना, बार बार रीड करना। दोस्तों, जब तक आपको मूट प्रॉब्लम का ही समझ नहीं होगी कि मूट प्रॉब्लम क्या है, क्या पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, तब तक आप अपना मेमोरियल नहीं बना सकते। मेमोरियल मतलब मूट कोर्ट की फाइल। उसको बनाने के लिए जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मूट कोर्ट की प्रॉब्लम क्या है। जब प्रॉब्लम पता होगी तभी आप उस प्रॉब्लम में लॉज ढूंढ पाओगे, उसको आप सॉल्व आउट कर पाओगे, आप वेरियस जो एक्ट्स बने हैं उसको उनके सेक्शंस लगा पाओगे। तो सबसे पहला पॉइंट है रीड मटीरियल अगेन एंड अगेन। सेकेंड जो स्टेप है वो है नाउ द फैक्ट्स ऑफ द केस वेरी डीपली। जब आप मूट कोर्ट प्रॉब्लम को पढ़ते हो तो आपका प्रॉब्लम को पढ़ना ही इनफ नहीं होता, बल्कि फैक्ट्स को अच्छे से समझना जरूरी होता है। जब आप फैक्ट्स को समझते हो, प्रॉब्लम को पढ़ते हो, तो आपको समझना पड़ता है कि कहीं जो फैक्ट मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ उन फैक्ट्स में कोई अंदर कोई फैक्ट तो नहीं छुपा हुआ, उसमें कोई अलग से हिडन फैक्ट तो नहीं है, आपको ये समझना पड़ता है। दूसरा जो मेन पॉइंट है मूट कोर्ट में एक विजेता बनने जो आपको बनाएगा वो ये है कि आप मूट कोर्ट प्रॉब्लम के फैक्ट्स को अच्छे से पढ़ो, समझ पाओ। अगर मूट कोर्ट प्रॉब्लम एक पेज की है तो समझ पाओ कि एक पेज के फैक्ट्स नहीं, डेढ़ पेज के फैक्ट्स है, आधा पेज के फैक्ट्स हिडन फैक्ट्स है जो इम्प्लाइडली आपको समझ आएंगे। तो वो कैसे पता चलेगा? रीड द मूट प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन। तीसरा जो पॉइंट है वो है रीड द इम्पोर्टेंट अथॉरिटीज रिलाइड अपॉन बाय द ईच पार्टीज ईच साइड। आपने मूट कोर प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करने के लिए, मेमोरियल को बढ़िया बनाने के लिए, आर्गुमेंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपने एक काम करना है, वो है आपने हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की अथॉरिटीज़ को ढूंढना है। अगर आपको मूट प्रॉब्लम समझ आ गई, पढ़ने से मूट प्रॉब्लम समझ आ गई, तो आपको पता चल जाएगा कि इश्यूज़ क्या होंगे, इश्यूज़ क्या बनेंगे मेरी मूट प्रॉब्लम के। प्लेंटिफ के साइड क्या इशू बनेंगे या डिफेंडेंट के साइड क्या इशू बनेंगे, अपीलेंट की साइड क्या इशू बनेंगे या रेस्पोंडेंट की साइड क्या इशू बनेंगे। इश्यूज का पता आपको मूट प्रॉब्लम को पढ़कर बार बार चलेगा। तो जब आपको इश्यूज पता चल गया तो अपने फेवर में आपने अथॉरिटीज ढूंढनी है। अथॉरिटीज मतलब सुप्रीम कोर्ट के केसेस या हाई कोर्ट के केसेस। जब आप केसेस को ढूंढ लेते हो, उनको अपनी मूट प्रॉब्लम में इश्यूज के आंसर में, आर्गुमेंट्स में लगाते हो, अपने आर्गुमेंट्स के सपोर्ट में, आप कभी मूट कोर्ट हार नहीं सकते। लेकिन शर्त यह है कि आपने बिल्कुल जेन्युइन अथॉरिटीज लगानी है, आपने रीजनेबल अथॉरिटीज लगानी है, आपने अथॉरिटीज में जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है वही बोलना है, अपनी मर्जी से अथॉरिटीज नहीं बनानी है। क्योंकि ऑनरेबल जजेस जो कि मूट कोर्ट में जजेस होते हैं उनको आपसे ज़्यादा नॉलेज है, ये बात आप मानकर चलें। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है प्रिपेयर द रिस्पॉन्सेज टू लाइकली क्वेश्चंस। आपने जब मूट प्रॉब्लम तैयार करी, रेस्पोंडेंट की साइड बना लिया आपने, मेमोरियल अपीलेंट की साइड बना लिया या प्लेंटिफ या डिफेंडर जो भी व्हाटएवर पार्टीज ऑफ द मूट प्रॉब्लम, जो मूट प्रॉब्लम के हिसाब से पता चलेगा, आपने मेमोरियल बना लिया, अब आप एडवांस में रिबटल भी तैयार कर लो। आप रिबटल भी तैयार कर लो कि अगर ये मैं अपीलेंट की तरफ से प्रेजेंट करता हूँ तो मुझे क्या रिबटल तैयार करना है, कैसे क्वेश्चंस पुट करने हैं। अगर मुझसे कोई क्वेश्चंस पुट करता है सब रिबटल में या रिबटल में, तो मैंने कैसे आंसर देने, ये पहले से तैयारी करके रखो। क्योंकि मूट प्रॉब्लम में जो रिबटल और सब रिबटल के क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चन सेम ही होते हैं, इन द सेंस कि
क्वेश्चंस तो वही बनेंगे ना रिबटल सब रिबटल में, तो एक बात ध्यान रखें, पहले से तैयारी कर लें कि कौन से क्वेश्चन रिबटल में बन सकते हैं और कौन से क्वेश्चन जो है हम दूसरी पार्टी को हराने के लिए, उनका मुंह बंद करने के लिए, उनको जवाब देने के लिए हम पहले से क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, और साथ ही उन क्वेश्चन के आंसर भी तैयार कर लें कि अगर हमसे कोई ऐसा क्वेश्चन करता है तो हमने क्या आंसर बोलने हैं। तो उसके बाद जो पाँचवा पॉइंट है जो आपको विजेता बना सकता है मूड कोड प्रॉब्लम में, मूड कोड कंपटीशन में, वो है क्रिएट ब्रीफ आउटलाइंस ऑफ योर आर्गुमेंट्स। जब भी आप आर्गुमेंट्स करो के कोर्ट में तो आपने आर्गुमेंट्स को बहुत वाइडर बनाना है मेमोरियल में, वो आपकी मर्जी है, पर आपने अपने माइंड में उनका आउटलाइन याद रखना है। मेन इशू क्या है उसमें, मेन उसका आंसर क्या होगा, आर्गुमेंट मेन क्या होगा, उसके सपोर्ट में अथॉरिटी कौन सी बोलनी है, आपके माइंड में एक पिक्चर तैयार होनी चाहिए। अगर आपके माइंड में एक ब्रीफ पिक्चर तैयार नहीं है तो आप मूड प्रॉब्लम में कन्फ्यूज हो सकते हो। अगर आपको मूड प्रॉब्लम में, मूड कोड कंपिटिशन में आपको कम टाइम मिलता है तो आप उन अपने आर्गुमेंट्स को, अगर वो ज़्यादा टाइम लेने वाले हैं, आप उनको कंसाइज नहीं कर पाओगे, आप आधे रास्ते में ही टाइम खत्म हो जाएगा और आर्गुमेंट्स आपके खत्म नहीं होंगे। तो आपने माइंड में आपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन आर्गुमेंट्स की बना के रखनी है, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो कि आपको मूड प्रॉब्लम में विजेता बना सकता है। इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है, जो सिक्स्थ पॉइंट है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। If you do the practice again and again, definitely you will come to know about how to argue before the court, how to present the case before the court, what is to be presented, what is not to be presented, which kind of questions you must have to ask to the other party in the case of rebuttal, आपको कैसे questions पूछने हैं, आपको क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना है, क्या rebuttal होगा, क्या सब rebuttal होगा, ये सारा कुछ प्रैक्टिस से आपके दिमाग में बैठेगा। प्रैक्टिस करो बार बार, मूड प्रॉब्लम आ गई पढ़ो बार बार, प्रैक्टिस करो, मूड प्रॉब्लम बन गई पढ़ो बार बार, उसको समझो बार बार, तैयारी करो बार बार, रेडी रहो बार बार, प्रैक्टिस करो, इससे ही आप उसमें स्ट्रॉन्ग बन पाओगे। ये तो हो गए हमारे जर्नल से पॉइंट्स, जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, जो आपको मूड प्रॉब्लम में विजेता बना सकते हैं। इसके अलावा डिसिप्लिन में रहें, प्रॉपर यूनिफॉर्म में रहें, जज साहब की रिस्पेक्ट करें, उनका आदर करें। जो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में पॉइंट्स बताए थे कि आपने कैसे जज साहब को जो है वो उनका रिगार्ड करना है, वो पॉइंट्स सारे फॉलो करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मेरी इस वीडियो का अंत होता है। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद जरूर आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी जरूर हुई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग।